हेयर कटा था। सिटी मॉडल सेंटर है रियासी का, स्किन इंडिया का। आप सर मैम आप कोविड, और हम भी समझते हैं कि जो पैसा है वो बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा ज़रूरी से था कि लोगों का ध्यान रखना। जितना भी मॉनेटरी जो भी चीज़ें थी वो सारा का सारा फोकस गवर्नमेंट का लोगों की जाने बचाने के लिए था। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को पता है, अभी ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि इंडिया सबसे आगे टॉप पे है अभी हम कोविड में फाइट करने के लिए। तो जो हमारे मोदी जी का सपना था कि हमारा देश आगे बढ़े, वो इन सिचुएशंस में आके हमें पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब हम इस सिचुएशन में पता चलता है तब हम देखते हैं कि इंडिया का नाम कहाँ पे है, तब देश कितनी आगे तरक्की कर चुका है और उसमें हमारा कितना योगदान है। और आज जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आप हमारी अगली जनरेशन हो, हम आपको देखते हैं। हम अब अपनी बात नहीं करेंगे, जब देश को ठीक करना है तो हम, मेरे को ये लगता है कि देश को ठीक करने के लिए अब हमें बच्चों की तरफ देखना चाहिए। बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ऐसे होंगे जो स्वच्छ भारत के मिशन डायरेक्टर के ऑफिस में आए होंगे। सो सर हैड कम टू माय ऑफिस और सर ने उस समय पूरी बात मेरी वेस्ट मैनेजमेंट की समझी थी। ही इज वन ऑफ द पॉलिटिकल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का थर्ड वर्जन आज शुरू हो रहा है और हमने यहाँ रियासी में सुला में अपना PMKVY का सेंटर जो है इसको रीइनॉग्रेट किया है। पहले था, कोविड की वजह से रुक गया था। इस सेंटर में 140 की अभी इनको टारगेट मिला है 140, बट दे हैव 4 सेंटर्स, इनके 4 सेंटर्स हैं और सभी में अलग अलग टारगेट्स मिले हैं। जब बच्चे यहाँ से जो बच्चे यहाँ से ट्रेन होके जा रहे हैं, अभी मैंने इनको पहले ही बोला था कि आप मेरे को एक्टिविटी वाइज लिस्ट दे दें कि इन बच्चों ने यहाँ पर क्या सीखा और उस एक्टिविटी के हिसाब से हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक इनके साथ बैंक्स का लाइजनिंग कराएं और नबार्ड भी है, नबार्ड इज अ गुड बैंक, उनके साथ मिलके अगर इनकी प्लेसमेंट, कुछ भी बच्चों की प्लेसमेंट हो जाए तो PMKVY को एक बहुत बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा। और स्पेशली आज जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर भी बच्चों को इंटरनेट का इशू है, तो आई एम श्योर जैसे सब जगह हो रहा है यहाँ पर भी होगा। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कि आज ही PMKVY 3 का लॉन्च जो है वो इंडिया में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जा रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और ये देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट नया है, 2007 की पैदाइश है और उसके हिसाब से छोटा भी है, तो अगर हमें भी इसकी इनॉग्रेशन के लिए चुना गया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। रियासी की बात भी करूंगा, आज यानी कि पूरे देश के जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे इस प्रकार का प्रयास हो रहा है कि ऐसे सेंटर जो हैं वो शुरू किए गए हैं और कई स्थानों पर यानी कि 50 यानी कि 100 बच्चे मिनिमम होंगे, कहीं 150 भी हो सकता है, कहीं 200 भी हो सकते हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग है, कहीं कहीं 3 महीने की ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चे के हुनर के हिसाब से उसको खड़ा किया जाए ताकि अपने पाँव पर वो खड़ा हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब जो है वो सीमित रहते हैं, हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ये एक आइडिया है कि अपने देश के हर बच्चे को मैं कैसे प्रयास करके यानी कि उसको पूरा करने का कोशिश करूं और उसको कोशिश करने के बाद जो देश लगे कोई भी व्यक्ति है जो है वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं है। इसलिए आज उसी के प्रयास के अंतर्गत यानी कि आज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो यानी कि रियासी जिला में है शुरू हो रहा है, ये उधमपुर भी, पाकिस्तान में भी हो रहा है, बहुत अच्छा। आप गुंगर देखोगे और ख़ासकर गौरव जी बहुत ही इसके लिए मैं कहता हूँ उपयुक्त व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन मेहनत भी बहुत है। मेहनत और लगन के साथ कार्य करना ये अपना दायित्व समझते हैं, ये ड्यूटी समझते हैं और सेवा समझते हैं। वो सोचते हैं मैं बच्चों की सेवा कैसे करूं ताकि बच्चे अपने पाँव पे खड़ा होने के उपरांत केवल मात्र इनके ये लगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही मिले और ओवर एज हो जाएं और बुढ़ापे में चले जाएं और उनकी एज यानी कि उनको कुछ ना मिल पाए। हर बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होगा
इसलिए हर लड़की खड़ी हो सकती है, हर लड़का खड़ा हो सकता है।